वालेकुम, मैं हूँ फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल से रिलेटेड है, और ये एचबीएल जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत पुराना बैंक है और बहुत कामयाब तरीन बैंक है। ठीक है, हर गली मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेज बआसानी मिल जाएगी। सबसे बड़ा नेटवर्क इनका, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज इनकी। ठीक है, इनका ये बेसिकली टर्म डिपॉजिट है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट बेसिकली आने वाले दिनों में जो है वो लोग जो है वो टर्म डिपॉजिट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह शरासू तेज़ी से गिर रहा है तो बैंकों को मुनाफा आपने उन्होंने देखा होगा, 2-3 महीने के अंदर बहुत तेज़ी से नीचे आया। ठीक है, टर्म डिपॉजिट का फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा आपने बुक करवा लिया, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए, तो जितने अर्से के लिए आपने बुक करवाया वो रेट फिक्स हो जाता है। अब शरह सूद कम हो ज़्यादा है, आपको फिक्स रेट पे मिलता रहता है। ठीक है, पहले भी जनाब लोग जो सरमायाकार हैं, जो पुराने सरमायाकार, उनको पता होगा कि वो लोग जो सरमायाकारी करते थे बेसिकली टर्म डिपॉजिट में ही करते थे, TDR में ही करते थे। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो वो टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड है। इस ये जो आज का हमारा अकाउंट है HBL एडवांटेज अकाउंट टर्म डिपॉजिट, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपको प्रॉफिट जो है वो हर महीने मिलना है, चाहिए 3 महीने पे, चाहिए 6 महीने पे, चाहिए या हर साल चाहिए। ठीक है, या फिर मेजोरिटी पे चाहिए। ठीक है, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट किस हिसाब से चाहिए। वरना नॉर्मली टर्म डिपॉजिट में ये होता है कि आपको जो प्रॉफिट या तो मेच्योरिटी पे मिल रहा होता है या फिर 6 महीने और साल पे फिक्स होता है, ज़्यादातर तो मेच्योरिटी पे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है जनाब, आप खुद डिसाइड करेंगे क्या आप प्रॉफिट मंथली लेना चाहते हैं या हर 3 महीने पर, 6 महीने पर, या फिर 1 साल पर, या फिर मेच्योरिटी पर। रिसेंटली जो है HBL ने अपने मुनाफा स्कीमों पर तब्दीली की है, तो HBL एडवांटेज अकाउंट का भी मुनाफा रेट तब्दील हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि HBL एडवांटेज प्लस एडवांटेज अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। ठीक है, और इसके अलावा ज़कात पर भी बात करेंगे। अकाउंट खुलवाने का तरीका, मतलब अगर आप HBL एडवांटेज अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो मुकम्मल तरीका आज की वीडियो का हिस्सा होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने HBL ने मेंशन भी कर दिया, अ फ्लेक्सिबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट टू सूट योर नीड्स। ठीक है, एक ऐसा फ्लैक्सीबल, मतलब आप प्रॉफिट फ्लैक्सीबल 1 महीने 3 महीने, तो उन्होंने फ्लैक्सीबल का नाम दिया है, अ फ्लैक्सीबल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट टू सूट योर नीड्स। ठीक है, जो आपको जो भी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है, एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म मतलब, अच्छा ये भी है इसमें, ये बात याद रखिएगा कि आप जो है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीना 1 साल, उसके बाद 5 साल 10 साल के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं। तभी ये कह रहे हैं शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, मीडियम टर्म भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 10 साल की भी सरमायाकारी कर सकते हैं। एक तो ये एडवांटेज है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर इस पर ये भी इसमें एडवांटेज है कि आप प्रॉफिट हर महीने लें, 3 महीने पे लें, 6 महीने पे लें, 12 महीने पे लें, या फिर मैच्योरिटी पे लें। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब, फीचर्स की बात कर लें जनाब। चूज़ फ्रॉम अ डिपॉजिट क्रिएट रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू 10 ईयर्स, मतलब 1 महीने से लेकर 10 साल तक आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप 1 महीने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, मतलब 1 महीने के लिए TDR बुक करवा सकते हैं, 1 महीने से लेकर 10 साल तक टर्म डिपॉजिट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैन बी ड्रॉ थ्रू चेक, ATM एंड क्रेडिट टू योर अकाउंट। ठीक है, मतलब जिसका प्रॉफिट होगा वो ATM से भी निकलवा सकते हैं, चेक से भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो फिर फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो जिस तरह आपको आसानी हो। ठीक है, नॉर्मली जिस तरह आपका अकाउंट आप यूज़ करते हैं वैसे ही होगा। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल स्टे सिक्योर, मतलब आपका प्रिंसिपल जो है बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, रिसीव अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट योर अकाउंट, मतलब ये क्या, आप जो है अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की अपनी सरमायाकारी की, तो 9 लाख रुपए तक जो है वो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट पे आउट कैन बी मंथली
क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एट मैच्योरिटी। ठीक है, ये मैं आपसे उस वक्त से कह रहा था कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है, सेमी एनुअली लेना है या फिर मैच्योरिटी लेना है। मतलब हर महीने प्रॉफिट चाहिए, हर 3 महीने पे चाहिए, हर 6 महीने पे चाहिए या फिर मैच्योरिटी पे आपको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट किया जाना, मस्ट मिनिमम डिपॉजिट 25,000 विथ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500। ठीक है, अगर जो आपकी मिनिमम लिमिट इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या 500 मिलियन। ठीक है, 500 मिलियन बहुत होता है। ठीक है, तो कम से कम सरमाकारी 25,000 से आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। SBL की ब्रांचेस हर गली मोहल्ले में अवेलेबल है। ठीक है, SBL की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब आप अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे कोई सा भी बैंक हो। ठीक है, सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंक वाले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ उस पर साइन करना, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। इनकम प्रूफ चाहिए होता है, जब भी आपको किसी बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो इनकम प्रूफ मांगते हैं। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, या फिर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, ये भी वो भी इनकम प्रूफ है, या किसी ने गोल्डन हैंडशेक या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, तो वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब आप SBL की ब्रांच का विजिट करेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, चूंकि ये अकाउंट आप सेविंग खुलवाएंगे तो इस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात के लिए CZ50 का फॉर्म होता है, वो आप जमा करवा देंगे CZ50। ठीक है, तो फिर आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा, CZ50 हो ज़कात अंडरटेकिंग हो। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है जनाब प्रॉफिट रेट, और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट जो है वो आप मंथली भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मंथली 3 मंथ्स, 6 मंथ और 1 ईयर। ठीक है, 2 ईयर, 3 साल, 5 साल और 10 साल। ठीक है, 10 साल के लिए सर्टिफिकेट है। अच्छा, सबसे अच्छा जो इसका प्रॉफिट रेट मिल रहा है जनाब वो 1 साल पे मिल रहा है, मतलब 1 साल पे अगर आप जो है वो इसका प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ इसको, एक महीने का जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो है 17.75%। ठीक है, 3 महीने का मिल रहा है 17.50%, और 6 मंथ का मिल रहा है जनाब 17%। ठीक है, और मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा 14.75%, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने का अगर आप प्रॉफिट लेंगे तो इसका प्रॉफिट मिलेगा आपको 15% के हिसाब से। ठीक है, 6 महीने का 15.75% और 1 साल का 16%। तो देखिए, प्रॉफिट तो सबसे अच्छा जो है वो 1 महीने का 17.75%, तकरीबन 18%, लेकिन 1 महीने के लिए क्या हम आपके साथ जो 1 महीने के लिए क्या आप टर्म डिपॉजिट बुक करवाएंगे, और इसी तरह 3 महीने भी नहीं, हम जो कैलकुलेशन दिखाएंगे वो आप लोगों को 1 साल पे दिखाएंगे। ठीक है, 1 साल का प्रॉफिट रेट 16% है, बाकी आप देख लीजिए अगर हर 3 महीने पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो हर 3 महीने का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 17.50%, और अगर हर 6 महीने पे आप बुक करवाएंगे इसको तो 17% के हिसाब से आपको मुनाफा मिलेगा। तो देख लीजिएगा जो आपका सुइटेबल होगा, हमारी जो अच्छी कैलकुलेशन होगी वो 16% के हिसाब से होगी। ठीक है, बाकी 2 साल का देख लेते हैं, 2 साल का अब हर महीने के हिसाब से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं सिर्फ जो 2 साल का प्रॉफिट मैच्योरिटी पे बताते रहा हूँ, 2 साल का प्रॉफिट अब मैच्योरिटी पे मिलेगा 14.25% के हिसाब से, 3 साल का मिलेगा जनाब 14.25%, 5 साल का प्रॉफिट मिलेगा 14.25%, और 10 साल का प्रॉफिट 12.50%। ठीक है, तो हमारे लिहाज से दोनों बेहतर है, 16% के हिसाब से भी आप बुक करवा सकते हैं, मतलब 1 साल के लिए भी, और मेरे ख्याल से 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए बेहतर है। ठीक है, 3 महीने वाला का जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 17.50% मिलेगा, और 6 महीने का आपको मिलेगा 17% के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 1 साल पे जाएंगे क्योंकि इतना शॉर्ट टर्म में लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हर 3 महीने बाद जाकर के कौन बुक करवाए। ठीक है, शरह सूद गिनने के बावजूद भी आप देखें TDR का प्रॉफिट बहुत शानदार है, 17.5%। ठीक है, और अगर 6 महीने की बात करें तो 17% भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है। ठीक है, TDR का जनाब 16% 1 साल की मैच्योरिटी के हिसाब से हमने प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन की, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 16,000 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइलर हो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी मन बननी 2,400 रुपये, और टैक्स काटने में 1 लाख पे 13,600 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। ठीक है, इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें तो जनाब रेट वही 16%, साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 16,000 रुपये,
नैन फाइलर पर जो टैक्स कटेगा 35% उसकी मान बनी 5,600, और टैक्स काटने बाद नॉन फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा 10,400 को मिलेगा 1 लाख पर, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो फाइलर का प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, 13,600 पर सालाना मुनाफा तमाम टैक्स काटने के बाद। अच्छा, एक नज़र मैं आपको उसका जो है प्रॉफिट रेट दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लें। अगर आपको किसी साल का प्रॉफिट रेट पसंद आ रहा हो, क्लियर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो स्किप करके इसको नोट कर लीजिएगा और उस हिसाब से जो है आप अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल के, ठीक है। तो ये मंथली और क्वार्टली का प्रॉफिट रेट है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये था HBL एडवांटेज अकाउंट। मुझे सही मायने में जो है 6 महीने और 3 महीने का भी जो प्रॉफिट रेट वो अच्छा लगा, ठीक है, 17.5% और 17%, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में तो ब्रांच का विजिट करना हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हफ्ते में 1-2 विजिट ब्रांच का करना पड़ जाता है, ठीक है। तो 3 महीने का एडवांटेज या 6 महीने का एडवांटेज ये होगा कि 3 महीने पर जैसे ही जो है आपका मैच्योर हुआ, आपने उसी वक्त दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 3 महीने के लिए मजीद बुक करवा लिया या 6 महीने के लिए मजीद बुक करवा लिया, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि आपको 3 महीने की बुक करेंगे तो 17.75% का रेट मिलेगा, दोबारा 3 महीने एक मैच्योर हुआ फिर बुक करवा लिया 3 महीने के लिए। और अगर 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने तो हर नॉर्मली 6 महीने तो 50 दफ़ा ब्रांच का चक्कर लग जाता है, तो 6 महीने में 17% का रेट लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप चाहें तो 1 साल के लिए बुक करवा लें 16%, बहर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बुक करवाएं HBL एडवांटेज अकाउंट, कि आपको कितने अरसे के लिए बुक करवाना, 1 महीने से लेकर 10 साल तक। और दूसरी बात है कि प्रॉफिट आपको कब कब चाहिए, हर महीने चाहिए, 3 महीने पे चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, हर साल चाहिए या फिर मैच्योरिटी पे चाहिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।